सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, आप लोग तो क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते ही हो, बट गाइस देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना, जो कि गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे तो गाइस आप लोगों का मैक्सिमम चांस है कि आप लोग हर एक मैच जीत जाओ। और गाइस देखो, मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा गाइस, मैं आप लोगों को दूसरा कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो कि गाइस आप लोगों को जरूर से क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने के टाइम में यूज करना है या फिर लेके जाना है। और गाइस देखो, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है, तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। आज के इस वीडियो का जो लाइक है रखते हैं वो 7000 लाइक्स गाइस, फटाफट 7 के लाइक जरूर से करा देना। और गाइस देखो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो, मुझे पता है आप लोग जब भी CSN खेलते हो तो गाइस सामने बहुत ही ज्यादा तगड़ा स्क्वाड आता है, और गाइस देखो अगर आपका स्क्वाड अच्छा नहीं है तो गाइस सामने वाला स्क्वाड तो आपको इजीली पेल के चला जाता है और आप लोगों का यार स्टार माइनस हो जाता है। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बेस्ट टाइम बता देता हूं कि गाइस कब आप लोगों को खेलना है, ताकि गाइस जो सामने वाला जो स्क्वाड आता है ना वो गाइस थोड़ा सा नूब हो या फिर उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं खेलता हो। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस क्या होता है, शाम के 6 बजे के टाइम से रात के 12 बजे के टाइम मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा तगड़ा स्क्वाड आता है, क्योंकि गाइस देखो इस टाइम में मेनली सब बंदे एक्टिव रहते हैं। तो गाइस देखो, अगर आप लोग इस टाइम में गेम खेलते हो ना, CSN खेलते हो, तो ऑब्वियसली बात है सामने बहुत ही ज्यादा तगड़ा स्क्वाड आता है। और गाइस देखो, अगर आप लोग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर आप लोग CSN खेलते हो ना, तो गाइस आप लोग देखना ज्यादा अच्छा उतना स्क्वाड नहीं आता है, क्योंकि गाइस देखो मेनली सब बंदों का इस टाइम में स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, जो ऑफिस जाते हैं ऑफिस में मतलब काम होता है, तो इस टाइम में कोई भी ज्यादा अच्छा एक्टिव बंदा मतलब ज्यादा अच्छा स्क्वाड कोई नहीं खेलता है, नॉर्मली सब रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं। तो गाइस अगर आपका स्क्वाड इस टाइम में एक्टिव है ना, सुबह को एक्टिव है, तो गाइस आप लोग अगर सीरियस रैंक पुशिंग कर रहे हो तो गाइस सुबह करो, शाम को अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं तो गाइस आप लोग का माइनस लग सकता है, तो आप लोग सुबह जरूर से खेल सकते हो। और गाइस ये ट्रिक 100% वर्क करता है, तो गाइस आप लोग गेम में जाके भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो, आपको तो पता है ये गेम के अंदर कितने सारे पेट है, बट गाइस देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिलेक्टिव पेट बता दे रहा हूँ जो कि गाइस आप लोगों को लेना ही लेना है, और ये आपको CSN खेलने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोगों को येती पेट लेना है, अगर आपके पास है तो गाइस आप लोग येती ले सकते हो, क्योंकि गाइस देखो अगर ओपोनेंट में कोई बंदा आपके सामने ग्रेनेड फेंका ना, तो गाइस आपको ग्रेनेड का डैमेज जो है वो कम लगेगा, तो गाइस आप लोग एक ग्रेनेड से मरोगे नहीं, तो गाइस आपके पास अगर ये पेट है तो गाइस जरूर से आप लोग ले सकते हो। दूसरा जो पेट है वो है फ्लैश। देखो गाइस इसमें क्या होता है, ये जो कछुआ का बच्चा है ना, ये क्या करता है, देखो अगर कोई एनिमी आपको पीछे से डैमेज देता है ना, मतलब आप लोग भाग रहे हो और पीछे से अगर कोई एनिमी डैमेज देता है, जो कि गाइस क्लैश ऑफ क्लैंस में हर एक बंदा पीछे से डैमेज देता है, तो गाइस आपको डैमेज कम लगेगा, तो बहुत ही ज्यादा ओपी पेट है यार ये पेट, अगर आपके पास हुआ तो भी आप लोग जरूर से यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस देखो, जो थर्ड नंबर पेट है जो कि गाइस आप लोग जरूर से ले सकते हो, वो है ड्रेकी पेट, मतलब ये जो ड्रैगन का बच्चा है, ये पेट भी बहुत ही ज्यादा ओपी है। ये क्या करता है, अगर मतलब एक सर्टेन रेंज के अंदर अगर कोई एनिमी मेडिकेट कर रहे हैं ना, तो गाइस आपको उसका लोकेशन बता देगा, मतलब मोको जैसा काम करता है यार। अगर कोई मतलब आप लोग किसी बंदे को डैमेज दिए और वो अगर मतलब थोड़ा सा रेंज के अंदर मेडिकेट कर रहे हैं ना, तो गाइस वो एनिमी कहां पर मतलब मेडिकेट कर रहा है आप लोगों को पूरा साफ साफ दिखेगा, तो गाइस ये पेट भी बहुत ही ज्यादा ओपी पेट है क्लैश ऑफ क्लैंस के लिए। और जो लास्ट नंबर पेट है वो है ग्रेनेडर्स के लिए, मतलब जो ग्रेनेड फेंकते हो क्लैश ऑफ क्लैंस में, उनके लिए ये पेट है। और गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या लग रहा है, ये ऐसा कौन सा पेट हो सकता है जो कि ग्रेनेडर्स के लिए है। और गाइस देखते हैं कौन कौन सही जवाब दिया। गाइस उस पेट का नाम है बीस्टॉन। देखो गाइस अगर आप लोग बीस्टॉन लगे खेलते हो तो कोई बंदे को अगर आप लोग ग्रेनेड मारोगे ना, तो ग्रेनेड बहुत दूर तक जाके गिरेगा, तो गाइस आप लोग जरूर से ये ग्रेनेड वाला पेट जरूर से ले सकते हो अगर आप लोग ग्रेनेडर हो तो। सो गाइस देखो, जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो, मैंने तो आप लोगों को पेट के बारे में बोल दिया कि आप लोगों को क्या क्या पेट लेना है स्पेशली CS रैंक के लिए, बट गाइस देखो पेट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, क्योंकि गाइस देखो CS रैंक में उल्टा फुल्टा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके अगर आप लोग जाओगे तो गाइस ऑब्वियसली बात है सीधी सी बात है आप लोग मैच हार जाओगे, और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यार, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग रश के लिए क्या क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो अगर आप लोग रश करते हो तो, या फिर गाइस अगर आप लोग ज्यादा होल्ड करते हो मतलब थोड़ा सा पीछे रह के खेलते हो तो भी गाइस आप लोगों को क्या क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेना चाहिए गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस देखो सबसे पहले एक्टिव कैरेक्टर में से आप लोगों के पास अगर होमर कैरेक्टर है ना, होमर कैरेक्टर गाइस अगर आप लोगों के पास है तो गाइस आंख बंद करके होमर कैरेक्टर उठा लो, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है यार। गाइस अगर आप लोग इस कैरेक्टर को यूज करोगे ना, तो सामने वाला जो एनिमी है वो गाइस फ्रीज हो जाएगा, मतलब ना ही वो आपको मार पाएगा ना ही उधर से भाग पाएगा,
और अगर आपके पूरे स्क्वाड में अगर होमर कैरेक्टर हुआ तो भाई सोच लो कितना ज़्यादा डेंजरस होगा। तो अगर आपके पास होमर कैरेक्टर है तो गाइस जरूर से ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास होमर नहीं है तो तब गाइस आप लोग क्रोनो या फिर वुकोंग आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। सो गाइस देखो अभी गाइस देखो अगर आप लोग रश करते हो ना, मतलब ज़्यादा रश करके खेलते हो, तो गाइस पैसिव स्किल में आप लोगों को हाथों रखना है क्योंकि शॉर्ट रेंज फाइट में हाथों बहुत ही ज़्यादा हेल्प देता है। उसके साथ गाइस आप लोगों को जस्टिन बीबर कैरेक्टर रखना है। गाइस देखो ये जस्टिन बीबर कैरेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा ओपी है, सामने वाला बंदा गाइस आपको इजीली हेड नहीं मार पाएगा और गाइस देखो मतलब डैमेज भी आपको कम लगता है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ओपी कैरेक्टर है, जरूर से गाइस आप लोग ये ले सकते हो। और जो फोर्थ नंबर जो कैरेक्टर है वो है जोटा, क्योंकि गाइस देखो अगर कोई बंदे को अगर आप लोग शॉटगन या फिर एसएमजी से नॉक करके फिनिश करोगे ना तो गाइस आपका ऑटोमेटिक हेल्थ बढ़ जाएगा। तो गाइस ये ओवरऑल ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस शॉर्ट रेंज के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। और गाइस देखो अगर आप लोग ज़्यादा होल्ड करते हो, मतलब पीछे रह के खेलते हो, तो गाइस देखो मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम मतलब वुड पे कर लेते हो या फिर ACAT लेते हो या फिर गाइस आप लोग AWM ले लेते हो, क्योंकि गाइस देखो लॉन्ग रेंज में ये सब गन ही बेस्ट है। तो गाइस देखो अगर आप लोग होल्ड करके खेलते हो तो गाइस आप लोग को रैफेल कैरेक्टर लेना है, क्योंकि गाइस देखो ये कैरेक्टर जब भी आप लोग लोगे तो गाइस एक दो सेकंड के अंदर सामने वाला एनिमी ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को मोको कैरेक्टर लेना है क्योंकि लॉन्ग रेंज में मोको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देता है। फिर गाइस आप लोग को लॉरा कैरेक्टर लेना है क्योंकि गाइस देखो आप लोग स्कोप खोल के जब भी मारते हो ना आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। सो गाइस मैक्सिमम चांस है कि आपका हर एक गोली एनिमी के बॉडी पे या फिर हेड पे ही लगे। गाइस देखो जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता दे रहा हूँ जो कि गाइस अगर आप लोग फॉलो करोगे ना तो क्या होता है, मतलब मैक्सिमम चांस है कि आप लोग फर्स्ट राउंड जीतोगे। और गाइस देखो फर्स्ट राउंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस आप सभी लोगों को पता है यार। फर्स्ट राउंड अगर आप लोग जीत गए तो गाइस सेकंड राउंड में आप लोगों को अच्छा खासा लूट मिल जाएगा। तो गाइस देखो फर्स्ट राउंड के लिए आप लोगों को क्या लेना है गाइस, आप लोग G18 ले सकते हो या फिर WSP ले सकते हो। गाइस सिंपली स्पैम करके मारो यार, फालतू में M500 लेके वन टाइम मत करो, सिंपली गाइस स्पैम करके मारो। क्योंकि गाइस देखो क्या होता है ना, आप लोग मतलब कोई बंदा अगर आपके एकदम शॉट में आ जाता है और आपके पास अगर M500 है तो गाइस आप लोग वन टाइम नहीं मार पाते हो और सामने वाला बंदा आपको मार देता है। तो गाइस उससे अच्छा गाइस आप लोग सिंपली WSP या फिर G18 लेके स्पैम करके मारो। और गाइस देखो बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी के टाइम में बेस्ट गन कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि गाइस देखो आप लोग हर एक राउंड तो गाइस WSP या फिर G18 से नहीं खेलोगे ना, दूसरा गन लोगे। तो गाइस आप लोग क्या क्या गन लेना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस अपडेट के बाद ना। अभी गाइस M1014 लेवल 3 करके गाइस आप लोग खेलो, बहुत ही ज़्यादा बवाल चलता है M1014 लेवल 3 करके। तो गाइस आप लोग जरूर से M1014 को लेवल 3 मतलब मैक्स करके खेलना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके साथ गाइस आप लोग MP5 लेवल 3 कर सकते हो, MP5 मैक्स कर देना, वो भी देखना गाइस कितना लॉन्ग रेंज में कितना OP हेडशॉट देगा। तो गाइस आप लोग जरूर से ये ट्राई कर सकते हो। गाइस अब जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है आप लोग को लोड आउट क्या रखना है। गाइस सिंपली आप लोग बॉनफायर लेना, बॉनफायर के अलावा कुछ मत लेना, वही बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। देखो गाइस आप लोगों को 3 बॉनफायर मिलते हैं और गाइस आप लोग पूरे मैच में 3 बॉनफायर कभी भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका हेल्थ कम है, आपके पास अगर मेडिकेट नहीं है, तब गाइस आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग हील बैटन में यूज कर सकते हो। तो गाइस बॉनफायर आप लोगों को लेना ही लेना है। इसके बाद गाइस देखो जो 6 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं जो कि गाइस आप लोगों को मतलब 90% चांस है कि आप लोग हर एक मैच जीतोगे ये ट्रिक को यूज करके। देखो गाइस आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को कभी भी एकदम मिडिल में फाइट नहीं करना है, मतलब राउंड के स्टार्टिंग में गाइस आप लोग एकदम घुस के यार एनिमी के एकदम मतलब एनिमी के घर में घुस के मारोगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि गाइस देखो अगर आप लोग एकदम जोन के मिडिल में जाके फाइट करोगे ना तो गाइस दाएं बाएं आगे पीछे हर एक जगह से गाइस आप लोगों को फायर हो सकता है। तो गाइस आप लोग सिंपली क्या करना है, आप लोगों को फ्लैंक करना है, मतलब एकदम साइड से घूम के जाना है और एकदम साइड से घूम के जाके गाइस आप लोग पीछे से मारना है। तो गाइस ये ट्रिक को आप लोगों को जरूर से फॉलो करना है, क्योंकि गाइस देखो फ्लैंक में क्या होता है ना, कोई बंदा आपको स्पॉट इजीली नहीं कर पाएगा और आप लोग उनके पीछे आ जाओगे और पीछे से उनको इजीली मार सकते हो। बट अगर आप लोग डायरेक्ट रश किए मतलब एकदम स्टार्टिंग में घुस गए ना तो गाइस क्या होता है, एनिमी का स्क्वाड गाइस आपके ऊपर पूरा हमला कर देगा और आप लोग ऐसे ही मर जाओगे। गाइस देखो जो 7 नंबर ट्रिक है वो है गाइस आपको तो पता ही है गाइस, अगर आप लोग हाइट एडवांटेज लेते हो तो गाइस कितना ज्यादा आप लोग को हेल्प मिलता है। गाइस देखो अगर आप लोग ऊपर रह के खेलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ऊपर से बहुत ही ज्यादा इजीली हेडशॉट लग जाता है और दूसरा पॉइंट है गाइस ऊपर से पूरा अच्छा खासा व्यू मिलता है। तो गाइस जब भी आपको मौका मिले गाइस आप लोग ऑलवेज हाइट एडवांटेज यूज करना। गाइस देखो जो 8 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो आप लोगों को ना ऑलवेज ट्राई करना है गेम के अंदर जो मतलब ड्रॉप मिलता है ना वो गाइस आप लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है ड्रॉप के अंदर गाइस आप लोगों को एक बार में 3 ब्लू बॉल मिल सकता है, ऊपर से गाइस आप लोगों को लेवल 3 हेलमेट लेवल 4 वेस्ट ये भी मिल सकता है, लॉन्चर नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये मिल सकता है M1887X मिल सकता है। तो गाइस बहुत अच्छा खासा मतलब ड्रॉप में मिल जाता है, AWM मिल जाता है। सो गाइस आप लोगों को ऑलवेज ड्रॉप लूटने का ट्राई करना है। गाइस देखो जो 9 नंबर ट्रिक है वो है गाइस आप लोगों को ना कभी भी मतलब वन टैप नहीं करना है। देखो गाइस आप लोग लॉन्ग रेंज में वन टैप कर सकते हो CS रैंक में, बट गाइस देखो अगर सामने बहुत ही ज्यादा तगड़ा स्क्वाड आता है और आप लोग वन टैप करने जाओगे ना तो गाइस सामने वाला स्क्वाड जीतने के लिए खेलता है। देखो गाइस सामने वाला स्क्वाड जीतने के लिए खेलता है, तो गाइस वो
आपको इजीली M10 स्पैम करके मार देगा और आप लोग वन टैप भी करते रहोगे। तो गाइस देखो आप लोगों को सोच समझ के वन टैप करना है, जब आपको मौका मिले कि हाँ मेरे को इधर वन टैप करना है तभी गाइस आप लोग वन टैप करना, वरना गाइस आप लोग नॉर्मली स्पैम करके खेलना। और बाय द वे गाइस ये कुछ चीज़ें था जो कि गाइस मेरे को आप लोगों को बताना था। ये वीडियो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, वीडियो को गाइस लाइक कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया तो, 7000 लाइक्स फटाफट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर देना और अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोगों को क्लैश का ड्रैंग का कोई सीक्रेट प्लेसेस के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को क्लैश का ड्रैंग में रैंडम प्लेयर के साथ कैसे खेलना है उस टॉपिक पे गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।